What's up Cap Gang, welcome back to another PUBG Mobile की प्यारी सी वीडियो। अब सोच रहे होंगे क्या हुआ है मेरी आवाज को, कहीं पर धीमी आवाज है, कहीं धुआं धुआं, क्या हुआ इस देश को? तो एक्चुअली में मेरी जो आवाज है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो गई है, कॉज मेरी जो आवाज है वो मेरे गले से मुंह तक बहुत धीरे जा रही है। बट मैं नहीं चाहता ये आपके डेटा शेयरिंग के अंदर भी सेम प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आपके डेटा को तेजी से शेयर करने के लिए मैं ये लाया हूँ काका जी। तो आपके डेटा को रिसीव एंड शेयर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी ऐप जिसका नाम है काका शेयर। एंड इसके थ्रू आप दूसरे डिवाइसेस में जिसमें काका शेयर डाउनलोडेड है, आप अपनी फाइल्स, डेटा लाइक एप्लीकेशंस, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, गेम्स, सब कुछ शेयर एंड रिसीव कर सकते हो बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग स्पीड पे। मतलब कि क्या ही बताऊं, अगर आपको डेटा शेयर करना है तो आप शेयर बटन पे दबाइए, एंड इसके बाद जाकर के आपको अपना हॉटस्पॉट इनेबल करना है, उसकी परमिशन देनी है, एंड फिर आपको दूसरी डिवाइसेस के अंदर भी जो उसकी स्पेसिफिक रिसीविंग परमिशन है वो देनी है, एंड फिर आप डेटा को ईजिली शेयर कर सकते हो। एंड एक बार आपने अपना डेटा शेयर कर दिया एंड आपको सामने वाले से कोई डेटा चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो वो भी आपको ऑन द स्पॉट भेज सकता है, कॉज आप एक बार कनेक्ट हो चुके हो। एंड यही नहीं भाई साहब, काका शेयर की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑसम वीडियोस मिलेंगे, जो कि न्यू ट्रेंडी हॉट वीडियोस है, म्यूजिक वीडियोस, न्यू गेमिंग वीडियोस, जो कि अभी लाइक कंट्री में हॉट चल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गरम गरम चल रहे हैं, वो देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप कोई फाइल अपनी काका लाइब्रेरी में शेयर करते हो तो आप आपके कीवर्ड्स के थ्रू बहुत जल्दी उसको सर्च भी कर सकते हो। तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो काका शेयर को अपने डिवाइस के अंदर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड राजधानी एक्सप्रेस से अपना सामान इधर से उधर भेज सकते हो मजाक से। एंड इसी के साथ उड़ता फुड़ता चिकन तंदूरी खाता पीता तुम्हारा भाई आ गया नोवो में। अब देखो जो बात है इसमें कुछ खास लग चुकी है, आगे हॉट ड्रॉप ले लिया तुम्हारे भाई ने आते ही। देखो प्रमोशन स्ट्रेटेजी तुम्हारी बहुत ओपी है भाई। क्या मैंने इसको ना गुस्से मुक्का ही मार दिया, मैंने कहा भाई मेरे मुंह के सामने डीपी उठा रहा है, कुछ तो शर्म कर ले लड़के, नहीं कुछ तो कर ले। तो फिर मैंने यहाँ पे मिनी उठा ली, इस बंदे ने क्या करा ना अपनी डीपी भी फेंक दी मेरे को देने के चक्कर में, एंड इसने अपनी डीपी ही गुम कर दी, मतलब क्या ही नोबड़ा है ये। तो इसके बाद मेरे को सामने बंदा दिखा, उसने मेरे को भरा, फिर मैंने उसे भरा जा करके ना भाई, क्या ही मारा इसे। मेरी मिनी की आवाज को क्या हुआ भाई? अबे पबजी सस्ते नशे करे हुए हैं क्या गाइस? मेरे गन की आवाज़ बदल गई, पता नहीं क्या हुआ है। अबे पबजी सब्जी वब्जी बन गई है क्या जिंदगी की आपकी? ये कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं गन के नाम पे, मैंने आज तक ऐसी मिनी की आवाज़ नहीं सुनी। पता नहीं कभी कभी कैसा ही गांजा फूक लेता है ना पबजी भी। गाइस इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, दूर दूर तक ना ही कोई एडिटिंग है ना ही मेरी आवाज़ है, ये पबजी की आवाज़ है, ये पबजी की आवाज़ है जब वो मैक्सिन की दो खिड़ी की चाय का सेवन करता है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पर अब बैठ के टीपीपी ले रहा था, देख रहा था कि बंदे कहाँ पर है। मिनी है तो मिनी से ही काम चलाना पड़ेगा, लंबी लंबी जिंदगी नहीं है, छोटी ही जिंदगी है मिनी सी। तो अब उस बंदे ने गलती कर दी कि वो ऊपर चढ़ गया एक बार ना कंटेनर के, फिर क्या था मिनी ही पड़ी उसको जा करके भाई साहब बढ़िया करके। तो जैसे ही बंदे को नॉक किया मैंने तो पुश कर दिया, मेरे को रास्ते में स्टोर की भी मिल गई, मैंने कहा वाह जाते जाते कुछ अच्छा सामान ही मिल गया कम से कम। तो इनका बाकी बंदा भी यहीं पर ही था, तो मैं कूदा यहाँ से फुल स्पीड, इस बंदे को ख़त्म किया एंड उसको एक्चुअली ना मेरे को किल चोरी ना हो जाए मेरी ना, एंड वो रिवाइव ना हो जाए। गॉड गन लाओ, इधर पड़ी है गॉड गन। मेरे को हेलमेट चाहिए भाई, मैं गॉड गन ला रहा हूँ, इसको शिव ले ले। देख रहे हो किल की भूख, देख रहे हो तुम्हारे भाई के अंदर केड़ी का लालच और किल की भूख में मेरे को अंधा बना दिया। उस बंदे को ढूंढने के लिए मैंने कंटेनर्स कैसे ही चेक करे भाई साहब। तो मैंने देखा एक बंदे सामने आकर के रैंप पे टीपीपी ले रहा है, मैंने कहा अच्छा भाई साहब इतना दिमाग टीपीपी लेते हो, मगर इसे का पता था। क्या ही मारा है भाई साहब, भर दिया इसको तो पूरा ऊपर से लेके नीचे ना। एंड फिर तुम्हारे भाई को मिल गई यहाँ पे M416 द गार्ड गन। जी हाँ ये वही गन है जो एक तरफा लंका लगा देती है लोगों के, फाड़ के चार कर देती है, सिलने को सरवार कर देती है, लंबे लंबे एल लगा देती है, सबकी एक तरफा मार देती है। जी हाँ ये है वो गन, मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन तो मेरे को जिंदगी किसी ने नहीं दिया होगा जैसे मैंने इंट्रोडक्शन इस गन को दे दिया। वाह कभी सोचा जिंदगी में एक टाइम आएगा जब गन को ऐसा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना एक और स्क्वाड थी, तो वो सामने मेरे बंदों पर घुस रही थी, तुम्हारा भाई आराम से एंगल होल्ड करके इंतजार कर रहा, तो ये बंदा यहाँ से भागता हो गया, मैंने स्प्रे मारा बट ये बच गया, किस्मत अच्छी थी।
सो मैंने जब अगली बार देखा ना तो मेरे को इनका एक बंदा दिख गया। गाइस मेरी M4 में से भी ऐसी आवाज क्यों आ रही है, ये क्या चल रहा है? हेलो पबजी गाइस, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सामने वाले पे भी पुश कर दिया, कॉज यहाँ पे टीवी भी ले रहा था तो मैं जाकर किसी मुंह पे लेट गया। अबे पब, अबे गाइस आई एम सो सॉरी बट यू नो मेरा इसमें दूर दूर तक कोई हाल हाथ नहीं है। ओके ये पबजी ने सस्ते नशे कर रहे हैं, आज सुबह सुबह गंजेड़ी चरस गांजा फूक के बैठा है, इसी बात पे नोगो पूरा खाली। नहीं वैसे अगर सस्ता पता नहीं मेरे को कैसे मिल गया पबजी के अंदर ये नशा सा। तो अगर गाइस तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो ना तो नीचे जाकर जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा है पबजी कर क्या रहा है। इसी बात पे हमको एक फ्लेयर मिली एंड हम फ्लेयर पे चल दिए भाई साहब। एंड जब हम फ्लेयर पे जा रहे थे ना तो फ्लेयर पे जाते जाते हमको रास्ते में ना एक नकली आमिर खान मिला। हाँ हाँ वो धूम 6 की शूटिंग कर रहा था, डायरेक्टर भी था उसके पीछे कैमरामैन के साथ ना, बट वो गलती से हमारे शॉट के बीच में आ गए तो बगल से गया हमारे, बगल से सस्ता था आमिर खान ये। चलो कोई नहीं होता, हम लोग इस फ्लेयर में घुस गए फिर आ करके। पता नहीं अब तो लाइक मैं कतई लेट लेट कर ही मारता हूँ हर बंदे को ना, जिसके भी मुंह पे जाऊँगा उसके मुंह पे कूदूंगा या लेट जाऊँगा या बैठ जाऊँगा, पता नहीं इतने सारे मूवमेंट तुम्हारे भाई ने अब कर लिए है ना, बस दिमाग के अंदर घुसा लिए है ना कि सामने वाला पता ही नहीं चलता गोली मारे तो मारे का, वो मुँह पे गोली मारता है तो मैं लेट जाता हूँ, लेटने के हिसाब से गोली मारता है तो मैं कूद जाता हूँ, मतलब अलग ही स्वैग है तुम्हारे भाई का आजकल। तो यहाँ पर वो आई थिंक मेरे को लग रहा था वो जो नकली आमिर खान गया है धूम 8 की शूटिंग करता हुआ यहाँ से, वो भी शायद से इसी का बंदा था, इसी स्क्वाड का ना। बट अब क्या करें, वो तो निकल लिया पहली फुर्सत में, दूर दूर तक नहीं दिखा ना फिर इसके बाद। तो मेरे को तो लग रहा है वो शैनॉक वैनॉक ना चला गया हो या विकेंडी ना भाग गया हो मजाक से हटके। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को UMP की आवाज़ सुनाई दी बहुत दूर से, तो मैंने देखा बंदे कहाँ है। अब नहीं नहीं मेरे को नहीं देखना है, मुझसे देखा नहीं जा रहा गाइस, सॉरी आपसे देखा गया, मुझसे नहीं देखा जा रहा भाई साहब। 100-200 ज़्यादा ले लो वो बता दो मेरे को, हेडशॉट कैसे नहीं था पहला वाला। उस बंदे ने टकला मेरी तरफ किया ठीक है, मैंने उसके सर पे गोली मारी है, उसके कहीं और जाकर के कैसी गोली। ये नशा मुझे भी करना है आज, पता नहीं पबजी कैसे कैसे हरकतें कर रहा है, M4 की आवाज़ ही अलग आ रही है, मिनी तो कतई अलग ही चल रही है, लाइक करके चल रही है, ये क्या मतलब है बताओ जरा। तो इसके बाद मैंने सोचा पुश ही कर देते हैं कौसिन का एक बंदा नॉक है, तो मैंने अपने टीममेट को बोला चल निकाल गाड़े भाई साहब। तो इस जैकली को हमने बोला, हमारी जो क्लैन की जैकलिन फर्नांडिस है जैकल, वाह। और इसके बाद ना तुम्हारे भाई के अंदर भाई चढ़ गया, मतलब हाँ सही में तुम्हारे भाई के अंदर भाई चढ़ गया, जिसकी वजह से मैंने पता नहीं कितनी बंदे उड़ा दिए, सिर्फ गाड़ी से ही मारा उसके बाद तो। तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं देखा, हर बंदे के ऊपर से गाड़ी ले गया उठा करके ना, ऐसा कतई लग रहा था कतई दारू पी के चला रहा हूँ गाड़ी में आज रात को, हर बंदे के ऊपर से गाड़ी। ये एक बंदा स्क्वाड का मार दिया ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा चलो कोई नहीं, बट ना 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 ना, ये तो अभी एक ही मरा है, इसके बाद इसकी भी बारी आई, जंगली पांडा। अच्छी बात है असली पांडा नहीं था, जंगली पांडा का वैसे असली पांडा से टायर ज़्यादा ही होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो गाइस अगर तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो ना तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई अलग ही मजे में है, कमेंट्री एकदम मस्त जा रही है। देखो मेरे को पता चल जाता है जब कमेंट्री मस्त ओपी वाली हो रही हो, तो नीचे जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम लोग 8 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा गोल है, हम बहुत पास है उसके। एंड फिर मैंने एक और को ठोक दिया, अब मेरे को पूरी फीलिंग आ रही है कल तक मेरे को जेल में बंद कर देंगे ये लोग ना हिट एंड रन के केस में, क्योंकि मैंने पता नहीं कितनों को ही उड़ा दिया चलती गाड़ी से, अलग ही स्वस्थ नशे हैं तुम्हारे भाई के। एंड फिर मैं अब जा रहा था ना, गाड़ी भी आ रही है यार, इस बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे, पता नहीं ये कहां से अपनी GND बचा करके छुपता भागता आया था, ये देखो एक और भाग रहा है, मतलब इनका क्या ही कट रहा है। एक्चुअली ये जो भी बंदा आया था आई थिंक नोवो से आया था, नोवो नहीं था मिलिट्री से कहीं से तो आया था वो, पता नहीं नाम क्यों की नोट करता बस, पूरी सर्वर को ही निकाल दे तू गाड़ी से। गन नहीं चाहिए भाई, मैं गिरा देता हूं ना सारे गन वगैरह। मेरे को भी उड़ा दे।
तो ये हमारी क्लैन की जैकलिन फर्नांडिस जैकली थोड़ा सा बुरा मान गई, कह रही थी सबको बंदों को वैसे ही मार दे गाड़ी से गन वन फेंक देते हम। मैंने कहा भाई कोई नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े रैंगल में ऐसी छोटी छोटी शानोक जैसी बातें होती रहती हैं। कौस देखो शानोक में भी सांप होते हैं, बट वो गाड़ी नहीं होती है तो वहाँ पे तुम उनको उड़ा नहीं सकते ना। वैसे लाइक गाड़ी होती है, बट यार वहाँ पे जो रास्ता है ना वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे घंटा भी गाड़ी नहीं चलती भाई, क्या बताऊँ बस। तो उसके बाद हमें ऐसे निकल लिए चुपचाप गाड़ी में, अपनी पहली फुर्सत से निकल लिए। एंड जाते जाते हमने अपनी फ्लेयर भी लूट ली जो हमने मंगाई हुई थी। कौस देखिए फ्लेयर छोड़ने से ज़्यादा बड़ा पाप आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। नहीं 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 100-200 ज़्यादा ले लो भाई, कितने भी बड़े पर हो अपनी फ्लेयर जो मंगाए हैं ना लूट के जाओ, इट्स अ गुड हैबिट। अपना सामान लेके चला करो भैया, बाद में मत बोलना अरे गए वो ख़त्म हो गई, गन नहीं मिली, अरे मेरे पे लेवल 1 का वेस्ट अभी तक नहीं बटाना। मैंने देखा है ना कुछ लोग छोड़ देते हैं, लाइक लिटरली ना वो लोग अपने किल की भूख और कीड़ी के लालच और टायर के बढ़ाने के अंदर अंधा हो जाते हैं, अपनी फ्लेयर मंगा कर के भूल जाते हैं। नहीं ऐसा मत करो भाई। तो इसके बाद तुम्हारा भाई आ गया गुटका में। अरे भाई साहब गुटका में आता है, कहा बताए तुम्हारे भाई के अंदर का गुटका मैन निकल जाता है। अरे क्या टेस्ट है गुटका मिलता है गुटका में। तो हम यहाँ पे गुटका खा रहे थे, अपने शिमला वाली यूएस चला रहे थे, एंड जाते जाते हमको ये जो है ना गुटका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे नमूने बंदर से मिल का कोटता हुआ। अरे भाई साहब अरे चढ़ जा अंदर, तेरा प्यार प्यार ले जा। चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे केडी की भूख और किल के लालच ने मेरे को भी अंधा बना दिया था, जिसके चक्कर में मैंने उस आखिरी बंदे को मारने की कोशिश करी 1 HP पे, एंड मेरे लंबे लंबे घुसने वाले लग गए मजाक सेट के। मैं चाहता तो आराम से हील कर लेता बट नहीं, मैं चाहता था आखिरी किल भी लूँ, उसके पीछे मैं नॉकआउट हो गया एंड मेरा यहाँ पे पूरा कॉन्टेंट का सत्यानाश हो जाता ना, रोटी वोटी सारी एक बारी में निकल जाती, सूखे नान भी नहीं मिलता खाने को भाई साहब, भिंडी पनीर खाना पड़ता, भिंडी पनीर देखो क्या ही सब्जी बनाई है। आज तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, आज पबजी ने भी सस्ते नशे करे, तुम्हारे भाई ने तो करता ही है, तुम्हारा तो पता ना, चरस गांजा फूको, मैक्सन भाई की चाय पियो, ऐसा नशा चढ़ेगा भाई पबजी में तुम्हारी रातों रात 100 केड़ी हो जाएगी बिना हैक करे। नहीं हैकर्स के लिए तो क्या ही करे, वो तो अलग ही लेवल पे होते हैं। वैसे कैब गैंग मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आपको पता ना, तो कैब गैंग हैकर्स के सख्त खिलाफ है, एंड आपको मिलते हैं उसमें ऑसम इमोजीज, ऑसम इमोट्स एंड स्पेशल टॉक शो एवरी संडे को, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर पे रोल। तो जाकर के ले लो कैब गैंग मेंबरशिप, 60 rupees ओनली, लिंक क्या ज्वाइन बटन है सब्सक्राइब के पास में ब्लू कलर का, वो दबाइए। तो मैं यहाँ से जा रहा था ना, ओ क्या मारा है मेरे को, फाड़ के चार कर दी मेरी सिलने को सलवार कर दी, अरे क्या ही स्प्रे मार रहा है, भर दिया, अरे पूरा भर दिया ऊपर से लेके नीचे तक भाई, शिमला वाले यूएस भी फोड़ दे, नहीं ये नहीं करना था, नहीं 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 शिमला वाले यूएस को नहीं छूना था। नहीं भाई नहीं, एक भाई को तू मेरे को मार देता, पूरा किल फिनिश कर देता, बट मेरी शिमला वाली यूएस को हाथ कैसे लगाया तूने? नहीं 100-200 ज्यादा ले ले, मेरे शिमला वाली यूएस को हाथ मत लगाया करो भाई, दिल से बुरा लगता है, वो इतनी अच्छी गाड़ी है यार, इतनी प्यारी स्किन है, शिमला वाली स्किन है, उसमें इतने को खाना पीना डब्बे वब्बे कपड़े वपड़े सब होते हैं ना उसमें, अब तुम गाड़ी फोड़ते हो तो
तो मेरे रहने वाले कपड़े भी उसमें जल जाते हैं। लाइक वो इतनी अच्छी गाड़ी, कृपया करके गाड़ी पे जुल्म ना करें, प्लेयरों पे जुल्म करें। हैशटैग सेव गाड़ी इन द चैट। कॉज देखिए, गाड़ी बचाओगे, वैसे भी आजकल तो इंडिया में गाड़ी की बिक्री कम हो गई है, वैसे फोड़ोगे तो वैसे ज़्यादा ही बिकेगी, बट यू नो ऐसे नहीं करना चाहिए, लोगों का नुकसान होता है, तो कृपया करके गाड़ी मत फोड़ो करो यार। अब देखो यहाँ पे मेरी गाड़ियाँ फोड़ ली, अपनी गाड़ी भी फोड़वा ली, हमारी खुद की फट गई। अब देखो कैसे हमारे पे गाड़ी नहीं है, हम तीन बंदे एक दो बग गई हमारे पास। एंड तुमको तो पता है ना, आज तक का रिकॉर्ड है कोई बंदा ऐसे सर्कल में इतने बंदों के बीच में बग्गी पे निकले और जिंदा बच जाए। अरे मजाक कर रहे हो क्या भाई साहब? नहीं, गुटखा वाला नशा कल्ला आका, वाह मेरा तो चलेगी। दो इसके बाद मेरे पास M249 और M24 तो थी, मतलब गन्स तो मेरे में बहुत बाप बाप थी ना, बट इनका इस्तेमाल करने लायक हम बचे नहीं। किल की भूख और कीड़े के लालच ने तुम्हारे भाई को अंधा बना। मैं चाहता तो यहाँ पर TPP लेके इस सर्कल का एंड होने तक यहीं पर ही सस्ते नशे करते फूकते बैठ जाता, मगर नहीं, तुम्हारे भाई ने लगाया 15 केड़े का ओवर स्मार्ट वाला दिमाग, बोला ढूंढ ढूंढ के मारेगा, पकड़ पकड़ के मारेगा, फोड़ फोड़ के मारेगा, घुस घुस के मारेगा। यार एक छोटा सा डाउट है, बाइक से बंदे उड़ते हैं क्या? टू व्हीलर वाली से उड़ते हैं क्या तू? ये नया किंग एंड्रू है भाई साहब। अब जो बात है, इस बंदे ने वैसे पूछा था कि अब मेरे को पता नहीं, एक्चुअली सीरियसली मेरे को दिमाग से निकल गया, क्या बाइक से बंदे को उड़ा सकते? मेरे को नहीं पता, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ, क्या बाइक से आप किसी बंदे को मार सकते हो कि नहीं? मेरे को नहीं लगता शायद से कोई बाइक से मरेगा, एक ठुक के कैसे मरेगा, बाइक के आगे आएगा कैसे पहली बात? एंड अगर आगे तो मेरे को लगता नहीं, शायद से मर जाए, मेरे अकॉर्डिंग मर भी सकता है, कॉज ऑब्जेक्ट तो है ही, तो शायद से मर जाए। तो इसके बाद तुम्हारा भाई जा रहा था, बोल रहा था बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारेगा, भाई साहब ये नया किंग एंड्रू है, ये घुसेगा भी मारेगा भी। तो भाई साहब ये घुसे जा रहा है किंग एंड्रू पूरे स्वैग में बंदों को ढूंढने के लिए, निकल चुका है। तो अभी एक डासिया दिखी, किल की भूख देख रहे हो तुम्हारे भाई के अंदर, लाइक कतई इन आंखों के सामने सिर्फ केड़ी झलक रही है, पागल करते है केड़ी ने इस लड़के को। अरे कतई डासे का पीछा जा रहा था, खुद का ही कटवा लिया। यार क्या ही मारा है, यार क्या ही मारा है, अरे ये किसी काम की नहीं है जैकली हमारे क्लाइंट के अंदर, एक ढंग की चीज नहीं कर। अरे कॉल आउट तो कम से कम बता दे, बंदे कितने पास है, ऐसे बोल रहे हैं अरे बंदे आ गए यार, नहीं जैसे कि ना तेरे बगीचे में खेत उग रहे हैं ना, मतलब कीड़े मकौड़े आ गए हैं, ऐसे बोल रहा है अरे बंदे आ गए यार, जैसे ना इसको दिक्कत ही नहीं है बंदे आ गए तो मार के चले जाओ। नहीं भाई नहीं, इधर केड़ी जाती है, टायर जाता है, किस्मत फूट जाती है, खाना खूना सब निकल जाता है, कंटेंट नहीं बनता है भाई साहब। बट एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पर नए हो। डैमेज 2000 से ज़्यादा था, बट एक्चुअली सीन ऐसा था कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी जल्दबाजी में ना, वो अलग बात है। तो मैं एक्सटर्न भाई, जा चाय लाइए, आज पूरी कैब गैंग को आप चाय देंगे, चलिए एक एक करके सबके लिए चाय बनाएंगे। गाइस मिलूंगा दोस्त ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी, पीस आउट। आई नीड ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।